हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं सबसे पहले कि सिंगल फेज क्या होता है। सिंगल फेज के अंदर हमारे दो वायर आते हैं आगे से, एक वायर हमारा फेज का, दूसरा वायर हमारा न्यूट्रल का। सिंगल फेज के अंदर हमारे पास दो वायर आते हैं, एक आता है हमारे पास फेज का, एक आता है हमारे पास न्यूट्रल का। सिंगल फेज के अंदर अगर हम वोल्टेज की बात करें तो हमारे पास इन दोनों तारों के बीच में हमारे पास वोल्टेज होती है जो 240 होती है, मतलब लगभग 240 होती है। ये थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है, इसमें 5% का डिफरेंस होता है। ये 5% बढ़ भी जाती है, 5% घट भी जाती है, ये 240 वैसे हम मान के चलते हैं। अब सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज के अंदर हम जो 240 वोल्टेज लेते हैं, ये 240 वोल्टेज हम फेज और न्यूट्रल इन दोनों के बीच के अंदर मापते हैं, फेज और न्यूट्रल के बीच में मापते हैं। अब बात आती है कि सिंगल फेज जो हमारे पास लाइट होती है, जो सिंगल फेज हमारे पास होता है, ये बनता कैसे है? सिंगल फेज बनता कैसे है? जैसे हम देखें कि हमारा जो एसी आपूर्ति होती है जिसे हम बनाते हैं, एसी आपूर्ति को हम अल्टरनेटर द्वारा बनाते हैं। अब अल्टरनेटर द्वारा क्या होता है, हम यहां पे जैसे मान लीजिए ये एक अल्टरनेटर है, इस अल्टरनेटर में मान लीजिए यहाँ चुंबक है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो ये आगे का है पर फिर भी मेरे से कमेंट्स में पूछा गया था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास चुंबक होती है, यहाँ पे होती है हमारे पास आर्मेचर, ये आर्मेचर घूमती है। अब क्या है, इस आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग लपेट देते हैं, तो ये वाइंडिंग हम सिंगल वाइंडिंग लपेटते हैं। जब इस आर्मेचर को हम घुमाते हैं तो इस वाइंडिंग के अंदर जो चुंबक है उस चुंबक को ये वाइंडिंग काटती है। जैसे ये यहां से ये चुंबक है, इस चुंबक को जैसे जैसे ये वाइंडिंग घूमेगी, जैसे जैसे ये वाइंडिंग घूमेगी तो इस चुंबक को काटेगी। अब ये जैसे जैसे इस चुंबक को काटेगी तो इसके अंदर एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, उस धारा को हम बांध लेते हैं। अब एक वाइंडिंग के कारण इसमें क्या होता है, हमारे पास सिंगल फेज उत्पन्न होता है। अब यहां पे क्या हो गया, हमारे पास सिंगल फेज उत्पन्न हो गया। ये तो बात हो गई हमारी सिंगल फेज की। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास थ्री फेज सिस्टम क्या होता है। थ्री फेज भी हमारा सिंगल फेज ही होता है। एक्चुअली में क्या करते हैं, हम थ्री फेज बनाते हैं, सिंगल फेज तो हम लेते हैं। थ्री फेज में क्या होता है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये जो अल्टरनेटर है, इसी अल्टरनेटर के जो ऊपर जो आर्मेचर होती है इस पे तीन वाइंडिंग स्थापित करते हैं, एक दो और ये हमारी होगी तीन। इसके ऊपर हमारे पास ये तीन वाइंडिंग स्थापित करते हैं। अब ये तीन वाइंडिंग स्थापित होने के कारण क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही वही बात पहले वाली कि यहाँ पे ये चुंबक है, अब इस चुंबक को जैसे जैसे काटेगी तो यहाँ पे एक फेज की बजाय यहाँ पे तीन वाइंडिंग होने के कारण यहाँ पे थ्री फेज उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे थ्री फेज उत्पन्न हो गया तो बात कर रहे हैं थ्री फेज की। थ्री फेज में क्या होता है, हमारे पास एक आर, एक वाई और एक वी, यानी जो तीन वाइंडिंग है इन तीनों वाइंडिंग में से एक 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 फेज आता है। ये पहली वाइंडिंग जैसे मान लेते हैं हम आर की, जैसे इसमें यहां भी लिख देता हूँ, ये आर की वाइंडिंग है, ये वाई की वाइंडिंग है और ये वी की। अब यहाँ पे क्या होता है, एक आर फेज आ गया इस वाइंडिंग से, एक बी फेज आ गया इस वाइंडिंग से और एक वाई फेज आ गया इस वाइंडिंग से। अब हमारे पास क्या होता है, या तो अल्टरनेटर के अंदर ही हम इसमें स्टार पॉइंट या डेल्टा पॉइंट बना देते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, जिससे हम न्यूट्रल किस प्रकार से लेते हैं ये भी मैं आगे वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए कि न्यूट्रल किस प्रकार से लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंगल फेज है, सिंगल फेज के अंदर हमारे पास दो वायर आते हैं, न्यूट्रल और रिपीट। थ्री फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, थ्री फेज के अंदर हमारे पास तीन वायर आते, एक आर वाई जो हमने यहां देख लिया, एक आर वाई, एक बी वायर जो हमने देख लिया ये अल्टरनेटर से, और एक वाई वायर जो हमने देख लिया कि हमारा तीन फेज आते हैं जिनमें तीन वायर इस प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है, जैसे कि हम मान लें हम कहीं भी अगर कोई मोटर चला रहे हैं तो वो कोई तीन फेज पे ही नहीं चलती, कभी कभी ऐसा होता है कई चीजों में तीन फेज के साथ एक न्यूट्रल की भी आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे एक जो वायर आता है तीसरा चौथा वो होता है हमारे पास न्यूट्रल वायर। ये हो गया हमारे आर वाई बी और एक न्यूट्रल, ये हो गया हमारे पास तीन फेज। अब देखते हैं कि जैसे सिंगल फेज के अंदर 240 वोल्ट आई थी, उसी प्रकार थ्री फेज के अंदर हमारे पास 440 वोल्ट आती है। अब ये 440 वोल्ट कैसे मापी जाती है, ये 440 वोल्ट हमारे इन दोनों एक दो फेजों के बीच में, दो फेजों के बीच में वोल्टेज मापी जाती है। चाहे ये आर वाई बी के बीच में माप लो, चाहे ये बी और वाई के बीच में माप लो, चाहे ये वाई और आर के बीच में माप लो, किन्हीं भी दो फेजों के बीच में मापी जाने वाली वोल्टेज जो होती है वो हमारे पास थ्री फेज के अंदर 440 होती है। अब हम बात करते हैं
कि सिंगल फेज के अंदर जब देखे ये देखो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो जैसे चार सिंगल फेज के अंदर 240 या 220 वोल्टेज होती है तो थ्री फेज के अंदर 660 वोल्टेज होनी चाहिए हमारे पास, तो वो 660 क्यों नहीं होती, क्यों हमारे पास थ्री फेज के अंदर 440 वोल्ट होती है, ये वीडियो मैं आपके लिए आगे लेके आऊंगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास जो टू फेज है ये टू फेज क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स वैसे तो टू फेज है ये बहुत कम जगहों पे काम आता है, क्योंकि हम अधिकतर हमारे घरों में देखें तो घरों के अंदर भी हमारे सिंगल फेज ही काम आता है, और अगर जैसे देखें कि हम अपने फैक्ट्री वगैरह है या फिर घरों के अंदर जैसे दुकानें होती है चक्की वगैरह की दुकानें आटा पिसाते हैं वहां पे भी हमारे थ्री फेज की मोटर काम आती है, तो हमारे हर जगह सिंगल फेज या थ्री फेज ये दो ही फेज काम आते हैं, बहुत कम जगह होती है ऐसी जगह होती है जहां पे हमारे टू फेज भी काम आता है, इसलिए फ्रेंड्स हम टू फेज को बहुत कम उपयोग में लेते हैं और बहुत कम बनाया जाता है। अब जैसे ये चीज कम उपयोग लेती है तो हम इसे बनाते भी कम ही हैं, तब बात है कि जहां पे मान लो कहीं पे है ना जो सिंगल फेज काम नहीं आ रहा, थ्री फेज काम नहीं आ रहा, जहां पे टू फेज काम आ रहा है तो वहां पे टू फेज कहां से लेंगे। उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स जो हमारे ये थ्री फेज होता है, जैसा कि हमने देखा हमारे पास जो ये थ्री फेज है इस थ्री फेज के अंदर से ही हम टू फेज बनाते हैं। क्या करते हैं हम सिंगल फेज के अंदर हमने क्या करा कि हमारा जो सिंगल फेज है इसमें हमने इन थ्री फेज के अंदर से एक आर ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया, ये हमारा हो गया यहाँ पे सिंगल फेज। अगर हम ये तीनों में से ये चारों में से ये ना ले और ये चारों सीधे ही ले ले तो हमारे पास होगी ये थ्री फेज। अगर हम इन दोनों में से दो फेज ले ले और एक न्यूट्रल ले ले, ये हमारे पास हो गया आर, ये हो गया वाई और ये हो गया हमारे पास न्यूट्रल, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टू फेज। टू फेज को बनाया बहुत कम जाता है क्योंकि हम ये केवल बहुत कम जगह, जैसे हम बात करें कि थ्री फेज है, थ्री फेज को हम क्या करते हैं ऐसे ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं ये जैसे ट्रांसफार्मर वाले जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें आगे आएगा टीटी संयोजन, टीटी या स्कॉट संयोजन, टीटी संयोजन या स्कॉट संयोजन जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है, हम ट्रांसफार्मर जब भी पढ़ेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर उसके अंदर क्या करते हैं हम तीन फेजों में से मतलब जो हमारे थ्री फेज थे उनमें से एक वाइंडिंग ये काम में ले लेते हैं, एक वाइंडिंग ये वाली काम में लेते हैं और एक ले लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ये दो ले लेते हैं, जो ये तीसरी वाली वाइंडिंग होती है इसको हम काम में नहीं लेते, ये हो गया हमारा टू फेज। अब बात करते हैं हम जो सिंगल फेज है और थ्री फेज है ये बनता किस प्रकार से है, इसकी वेव किस प्रकार से होती है। अब देखते हैं हम इसकी वेव किस प्रकार, अब जैसे हम देखते हैं सिंगल फेज की बात करते हैं तो सिंगल फेज की जो वेव होती है वो साइनोसोडल या जय तरंग होती है, साइनोसोडल या जय तरंग। इसमें मतलब हमने देखा कि एक वाइंडिंग होती है सिंगल फेज के अंदर उस अल्टरनेटर के अंदर, तो हमारे पास एक वाइंडिंग से एक फेज उत्पन्न होगा, एक फेज उत्पन्न होगा तो उससे हमारे एक ही वेव बनेगी। अब ये एक वेव बनती है जो हमारे पहले तो चलती है प्लस के अंदर फिर चलती है माइनस के अंदर, ये हमारे जब इसे जो ये वेव है ये हमारी चलती है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये वेव होती है जो एक सेकंड के अंदर 50 बार ऊपर और 50 बार नीचे होती है, उसे ही हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं, उसे ही हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं, जो हमारी है कि भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अब बात करते हैं थ्री फेज के अंदर, थ्री फेज के अंदर क्या होता है, थ्री फेज के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं तीन वाइंडिंग काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है एक ये हमारी साइनसोइडल बनती है, दूसरी हमारी यहां से ये बनती है और तीसरी हमारी यहां से ये बनती है, ये हमारे पास तीन वेव बनती है क्योंकि हम थ्री फेज के अंदर जब इसको बनाते हैं तो हम इसके अल्टरनेटर के अंदर तीन वाइंडिंग करते हैं, तीन वाइंडिंग करने के कारण इसके अंदर भी तीन वेव बनती है। हमने देखा कि सिंगल फेज के अंदर एक वाइंडिंग उपयोग लिया तो वहां पे एक वेव बनी, और थ्री फेज के अंदर जब हम तीन वाइंडिंग ले रहे हैं तो वहां पे हमारे थ्री वेव उत्पन्न। अब थ्री वेव में क्या होता है फ्रेंड्स हम देखें कि तीन वेव होती है तो उसके अंदर जो हमारी एक वेव होती है वो हमारे हमेशा माइनस के अंदर चलती है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर थोड़ा कंप्लीट तरीके से थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ तो मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ये होते हैं हमारे सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज।
फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो वह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।